कि किस तरीके से अपने सेल्स के अंदर सेकंड स्टैंड लेना, वो सेकंड स्टैंड क्या है, क्या करना है सेकंड स्टैंड में, क्या लिखा हुआ है, और सबसे पहले उसमें क्या करना है। कई बार हम एनालिसिस बहुत ज्यादा कर देते हैं, बहुत ज्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं, तो कहा जाता है एनालिसिस बाय पैरालिसिस। बहुत ज्यादा सोचने वाला बंदा भी कुछ नहीं कर पाता है, वो सोचता ही रह जाता है। तो हमें खाली सोचना कितना है, कस्टमर क्यों खरीदने आया है और वो खरीदने का रीजन क्या है, और रीजन बहुत ज्यादा नहीं होता है, रीजन खाली पांच ही होते हैं, वो भी आपको बता देता हूं। यही पांच में से कोई एक रीजन होगा जब कस्टमर आपके वहां लेने के लिए आया होगा, तो फाइंड करना है कि कस्टमर का मोटिवेशन कौन सा है खरीदने के पीछे का। पहला क्या है बराबर, कई बार कस्टमर को कंफर्ट फील होने के लिए वो कुछ चीजों को लेता है, कुछ चीजों से वो डिसकंफर्ट होता है। सेकंड चीज क्या होती है, फिजिकल प्लेजर, मतलब जब लोगों के बीच में जाए तो लोगों के बीच में बात होनी चाहिए कि आपकी ये प्रोडक्ट तो बहुत मजेदार है या बहुत बढ़िया है, और वो सुनने के लिए, वो खरीदने के लिए आता है कि लोग उसको ये बताएं। फिर क्या होता है, सेल्फ एक्सप्लेन, मतलब उसको वो कोई बड़ी नहीं होती है कि लोग क्या बोलने वाले, वो अपनी खुद की खुशी के लिए खरीदता है, उसको मजा आता है कि ये चीज मुझे चाहिए और वो लेने के लिए। फिर क्या होता है, गिफ्ट देनी होती है, और लास्ट में क्या होता है, ये तो अपनी प्रोडक्ट में वो गिफ्ट चलेगा ही होगा ही, इसके साथ ही हो तो उसकी टाइम पर ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। क्लियर हो गए, आगे बढ़े। सेल्स का प्रेजेंटेशन हमें कैसे करना है, थर्ड स्टेप के ऊपर हम आ, तो सेल्स के प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइक बिटवीन प्रोडक्ट एंड कस्टमर नेम, वही दिखाओ जो कस्टमर की नीड हो, सब कुछ है तो सब कुछ मत दिखा। कई बार दिक्कत ये हो जाती है, अबे आने सु बताओ जिटो हो तो पता नहीं, तो एक तरीका है कि आप करें, सीरियल आप सब लोग देखते हो, मूवी देखते हो, तो मूवी के अंदर जब मूवी एंड होती है ना, तब दूसरी मूवी की वहां पर स्टार्टिंग होती है, और क्या होते हैं, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और सीरियल के अंदर क्या होता है, कब क्या होगा, और वैसे आपको सरप्राइज करके रखा जाता है कि कल फिर से आप आओगे वही चीज देखने। तो प्रोडक्ट जब आप कस्टमर को दिखाने स्टार्ट कर रहे हो, उस टाइम पर दूसरी प्रोडक्ट प्रेजेंट करने से पहले, प्रेजेंट करने से पहले हमें ये चीज पता नहीं बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसकी नीड क्या है, और उसके सामने प्रोडक्ट बन रहा है। सेकेंड चीज जो मैंने अभी आपको बोला, क्या करना है, कस्टमर का माइंड रीड करना है। कैसे, कई बार ये होता है आपका कस्टमर अलग होता है और आपका कंज्यूमर अलग होता है, मतलब आपको बताना चाहूंगा, लेने वाला बंदा अलग होगा, पेमेंट देने वाला बंदा अलग होगा, और जिसके लिए चाहिए वो आएगा ही, क्योंकि होगा आप अपनी सुविधा करती है कि इसको समझाओ जो पैसा देने वाले हैं उसको समझाओ, या जिसको चाहिए पर उसको लेकर आओ तो उसको समझाओ, और चीजें बदल दो। तो बेनिफिट्स, बेनिफिट्स का मतलब क्या, ये पेयर है इतने की होगी,
अब मैं आपको बोलूं ये पेन आपको एक्चुअली है और उसकी प्राइस लगा दी है 1,00,000 रुपए। और अब मैं आपको मतलब ये पेन बेचनी है जिसकी प्राइस आपको लगा दी है 100 रुपए। सो में बेचना आसान है सब लोग बेच लेंगे। अब सवाल आएगा लाख में कौन बेचेगा? तो वही चीज हमें यहाँ पर लेकर बेनिफिट्स का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जिसके फायदे क्या है, समझना। बेनिफिट्स का मतलब ये होना चाहिए ये कितना वैल्यूएबल है और सामने वाले के माइंड में वो वैल्यू क्रिएट कर तब वो। अब आगे बात करेंगे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी रेंज हम पहले स्टार्ट करें और कहां से हम शुरुआत करें। कई बार ये कंफ्यूजन आ जाता है, उनकी रेंज अलग होती है हमारी रेंज अलग से स्टार्ट होती है, तो आप हमारी बात नहीं बनती। तो एक घंटे की मेहनत होने के बाद पता चलता है कि उनकी एफर्ट ही नहीं है वो चीज लेने की, तो उसको समझना पड़ेगा। उनको पूछना नहीं है कितना ग्राफिक चालू समझना। कई बार हम डायरेक्ट पूछ लेते हैं कितना बजट है आपका, वो गलत सवाल है। वो बोलेगा तो दिखाना है बजट मेरे पास है, मैं क्यों बताऊ? तो क्या बोलना है हमें, क्या राइट क्वेश्चन होना चाहिए उस टाइम पर, आप क्या देखना पसंद करेंगे? लेकिन दूसरे तरीके से पूछेंगे। जैसे कि आप में से कोई बताएगा, अगर सामने वाले बंदे का बजट हमें जानना है तो कैसे जान सकते हैं? कैलकुलेशन होता है ये कहीं पर बुक में लिखा हुआ नहीं है कि यही कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि सेल्स करने के लिए आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, सेल्स एक्सपीरियंस से ही आता है। तो हमें मेंटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा और फिजिकल ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, और वो ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए, वो जिस पर्पस से आया है वो पर्पस को हम जाने समझे और वो क्लियर हो। फिर क्या है प्रोडक्ट का वैल्यू फॉर प्रोडक्ट हैंडलिंग, कि जो हम प्रोडक्ट उसको देने वाले हैं उसकी वैल्यू एडिशन हमें साथ में करते रहनी है, तब वो प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट होगी। नहीं तो दिखा देगा वो भी थक जाएगा देखकर और हम दिखा कर थक जाएंगे, सेल नहीं होगा। फिर आगे बात करते हैं सबसे बड़ा पॉइंट, यहां तक पहुंचते पहुंचते 80% सेल्समैन थक जाते हैं और यहां पर अपने हथियार रखते हैं, क्योंकि असली सेल्स जो है ना वो यहां से स्टार्ट होता है। और यहां पर क्या होता है, दो चीजें होती है, एक होता है और दूसरा होता है, जब कोई आपके सामने ऑब्जेक्शन उठाता है तो उसका काउंटर आपको क्या करना है वो सिखा जा सकता है, लेकिन जब कोई बंदा आपके सामने एक्सक्यूज देता है तो उसको स्मार्ट तरीके से खाली हैंडल किया जाता है, उसका कोई तरीका नहीं है, उसका कोई टेक्निक नहीं है। फिर आपको वहां पर अपना विस्डम यूज करना होगा, जो आपने सेल्स स्पीड के अंदर आकर नॉलेज लेकर सीखा होगा